तबादला नहीं तो वोट नहीं की मुहिम चला रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ, कब तक हो पाएगा? हाई ग्रेड वाले वो ट्रांसफर की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा है, अभी तो पूरे राजस्थान में ट्रांसफर पे प्रतिबंध लगा हुआ है। जब प्रतिबंध खुलेगा तभी तो उस पर विचार किया जा सकेगा। अभी देख रहे हो आप, कई दिनों से सारे, केवल शिक्षा विभाग नहीं, तमाम विभागों के ऊपर स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जब प्रतिबंध खुलेगा तो उनकी समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा। तो खुलेगा इस साल कि? ये आपको पता है, प्रतिबंध मेरे हाथ में नहीं। मेरे ख्याल में अगले 15-20 दिन में हो जाएंगी। नए जिलों के हिसाब से पोस्टिंग दोगे या पुरानी जिलों के हिसाब? अब उनसे मेरे ख्याल में इसमें जब काउंसलिंग होगी तो ऑप्शन मांगा जाएगा। जो वो ऑप्शन देंगे उसके आधार पर परसेंटेज के हिसाब से, आप जानते हैं कि हमारी बहुत पारदर्शिता की नीति है। जैसे आज मान लीजिए किसी ने 12 जिला मांगा है, 12 जिला में एक व्यक्ति की 60% है, एक की 65% है, एक की 70% है, तो पहले 70% वाले को मिलेगा। मेरिट बेस ही होगा। मेरा कहने का मतलब था कि वैकेंसी 33 जिलों के हिसाब से खुली थी, अब 50 जिले हो गए, तो पोस्टिंग में 50 जिलों के हिसाब से मिलेगी? पोस्टें तो 48,000 ही रहेंगी। अब उनको, मेरी बात सुन, उन्होंने उनसे स्कूलों का और इनका ऑप्शन मांगा जाएगा। गाँव में प्राय इन लोगों को लगाते हैं, आप जानते हैं, रिक्त पदों पे लगाते हैं, तो उनसे ही ऑप्शन मांगा जाएगा कि वो कौन सी स्कूल में कहाँ जाना चाहते हैं, उसके अनुसार जिले निर्धारित हो जाएंगे। सर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट ग्रेड को पोस्टिंग दी जाए फिर सेकेंड ग्रेड। ये बात उनकी है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। सर रीट के लेवल 2 के जो अभ्यर्थी हैं, जब आपने जब पेपर लीक हो गया तो उसके बाद घोषणा करी थी और जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें 5,000 पदों का अंतर है, अभी भी उन पदों को बढ़ाने की मांग उठ रही? उनकी मांग है, उसको वित्त विभाग से राय करके तय कर देंगे। एक भाई साहब, आपने कहा कि बाल वाटिका शुरू कर दी है 1,000 स्कूलों में, और उधर एनटीटी के जो शिक्षक है वो शिक्षा विभाग में आ गए, जिला विकल्प बढ़ा लिया लेकिन उनको पोस्टिंग नहीं दी, तो उनको जिस जिले में कार्यरत उसमें देंगे या जो विकल्प दिया है उसके आधार पर पोस्टिंग देंगे? ऐसा है, पहली बात तो ये कि जिस जिले में वो काम कर रहे हैं उसी में उनको कायदे से, ये भी थर्ड ग्रेड टीचर्स की तरह ही हैं, लेकिन कोई विशेष परिस्थितिवश कोई पति, जैसे पति पत्नी का केस है, इसके बारे में पॉलिसी बना रहे हैं। इसमें कई प्रकार के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जो भी अंतिम निर्णय विभाग के स्तर पर होगा वो आपको बता देंगे, क्योंकि ये डिस्कशन में चल रहा है। 3 तरह के विकल्प हैं, लेकिन जो फाइनल विकल्प है वो माननीय मंत्री जी के साथ अधिकारियों की बैठक के बाद तय हो पाएगा। आपने सही सवाल पूछा है कि हम कौन से विकल्प पे काम करेंगे, तो ये तो जब तय हो जाएगा तब बताया जा सकता है।